और मांग सिर्फ इतनी सी है कि भर्तियां होनी है, रीट 2018 के अनुसार 1167 पोस्ट खाली हैं और कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो मांग कर रहे हैं। हमारे साथ उपेन यादव हैं, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश संरक्षक हैं। उपेन, इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इसमें बेरोजगार शब्द तो है, रोजगार चाहिए, वो आदिवासी हो, वो सामान्य वर्ग से हो, वो जो भी हो, तो इस घटना को आप कैसे देखते हैं जो कल 2000 लड़कों ने 20 किलोमीटर राजमार्ग जो है उसको बिल्कुल ठप कर दिया। देखो कौशिक जी ने एक बात कही थी कि जो प्रशासन की जो लापरवाही सामने आई है, उस लापरवाही की वजह से जो टीएसपी में जो आंदोलन हुआ उसकी आग नॉन टीएसपी में ना लग जाए, क्योंकि लगातार लापरवाही होती है और बेरोजगार सड़कों पे आते हैं, आंदोलन करते हैं, उनकी मजबूरी होती है। हम लगातार मांग कर रहे हैं, आज बेरोजगार संघ की आवश्यकता क्या पड़ी, हम बेरोजगार महासंघ को खत्म करना चाहते हैं, हम मांग करते हैं कि बेरोजगार आयोग हो, अपनी बात रखे। आज वो टीएसपी वाले वो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात रखी जाती, सुनी जाती, बैठ के बात होती, जो प्रशासन बात करते हैं, मुख्यमंत्री तक बात पूछाते तो कहने के उसका रास्ता निकल सकता था, लेकिन लापरवाही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 सितंबर को मीटिंग ली, रीट शिक्षक भर्ती 2018 की एक और सूची जारी की जाए, एलडीसी भर्ती 2018 की सूची जारी की जाए, बाद राज्य कोटा खत्म की जाए, उसके निर्देश दिए। आज तक 3 सितंबर के बाद आज तक अधिकारियों ने उसकी पालना नहीं की, अभी तक वो लिस्ट जारी नहीं हुई। इसके अलावा सूचना शाही को चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे राजस्थान पुलिस की एक और सूची 2013 से लंबित है, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 10,029 पद 2013 से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव लगने से उन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई। नर्सिंग भर्ती 2013 वाले लंबित है, लेकिन आखिरकार सबसे बड़ा सवाल है बेरोजगार अपनी बात कहां रखे। हमारा बेरोजगार आयोग हो तो हम वहां अधिकारी हो, मंत्री हो और बेरोजगार हो संबंधित भर्ती का, वो अपनी बात रख सकता है। हम मंत्री के पास जाते हैं, मंत्री अलग बात कहता है, अधिकारी के पास जाते हैं, अधिकारी अलग बात कहता है, अलग अलग बात कहकर भर्ती को अटका देते हैं। हम जाए तो कहां जाए, हम नहीं चलाना चाहते बेरोजगार संघ, लेकिन हमारा बेरोजगार आयोग तो होना चाहिए जो सबसे ज्यादा वोट देते हैं। ये सत्यनारायण जी बैठे, जब से बेरोजगार सम्मेलन किया था सत्यनारायण जी अतिथि बन के आए थे, लेकिन अब बेरोजगारों के पक्ष नहीं रखेंगे कि आज ये बेरोजगार भटक रहे हैं। इनको बोलना चाहिए, इनका फर्ज बनता है। उस समय मैं तो रियलिटी की बात करूंगा। नहीं नहीं बोलना चाहिए, रियलिटी की बात है, नहीं ये सच्चाई बात है, बोलना चाहिए आपको कि बेरोजगार को परिणाम नहीं आता, ज्वाइनिंग नहीं हो पाती। हालांकि मुख्यमंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी उनकी मीटिंगों की जो निर्देश है उनकी पालना नहीं हो रही। आज जो घटना ही हो रही है, इसका आक्रोश आने वाले समय में यदि पालना नहीं की, अधिकारी को लापरवाही नहीं मिटी, तो आने वाले समय में नॉन टीएसपी जा सकती है, नॉन टीएसपी जा सकता था। मेरी बात सुन लीजिए, बारे में बात करो। जी 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 सत्यनारायण जी आएंगे आपके पास, इनको बोलने दीजिए। समझा सकते ना, सुनो मैं एक चीज और कहना चाहता, रीट शिक्षा भर्ती 2020 माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 दिसंबर 2019 को घोषणा की थी कि 2 सितंबर को एग्जाम हो जाएगी, आज तक उसकी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई, पैटर्न जारी नहीं। 11 लाख बेरोजगार आक्रोश है, वो कह रहे हैं कि हम भी आंदोलन करेंगे। वो सोशल मीडिया में क्या चल रहा है कि जैसे डूंगरपुर में आंदोलन हुआ हमें करना पड़ेगा, तो उसका दुष्प्रभाव पड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को इसमें संज्ञान लेना होगा, अधिकारियों को खींचना होगा कि इसकी विज्ञप्ति जारी हो, चाहे स्कूल व्याख्या था हो, चाहे जी सर। देखिए हमारे यादव साहब जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, जी जी, ये तो हमारे लीडर हैं, इन लोगों को भी नहीं मिल पाती है उसके लिए प्रयास करते हैं। मगर अभी अपन चर्चा कर रहे हैं ये डूंगरपुर में जो भर्तियां भरी जानी है उसके बारे में। इन्होंने कहीं नहीं कहा, हिम्मत भी नहीं की कहने की, क्या इन वैकेंसीज को जनरल से भरा जा सकता है। मैं समझता हूँ जब हाई कोर्ट की डबल बेंच का ऑर्डर है तब नहीं भरा सकता। और उस एरिया में मैं आपको और बता दूं जो इनको मालूम नहीं होगा, बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं स्टेट लेवल की जो ट्रैवल के लिए ही रिजर्व है, इसलिए जनरल का भी आपको उस एरिया में ध्यान रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी रूलिंग्स आ चुकी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इतनी परसेंटेज से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। जी 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 उपेन, अब तो राज्य के बाहर के लोगों को आरक्षण नहीं देगी सरकार, कुछ समस्या तो आपकी सॉल्व होती है। आप मुझे आप भी आरक्षण दे, जी 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 याद है, इनको ज्यादा बुला रहे, दोनों पार्टी को ज्यादा बोल रहे, जो बेरोजगार की बात ही नहीं। जी जी मैं बोली 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 प्लीज, बड़ी समस्या है, बहुत है। जी बोली, मैं सवाल ये उठा रहा था, मैं अपील करना चाहूंगा उन समस्त प्रदर्शनकारियों से कि राजनीति षड्यंत्र न फंसे, क्योंकि आपका भविष्य है, आपको नौकरी करनी है। हिंसात्मक आंदोलन का हम समर्थन नहीं करते हैं, राज्य सरकार से निवेदन है। इसमें दो पक्ष बने हुए हैं, सामान्य श्रेणी वाले कह रहे कि हमें दो, एसटी वाले कह रहे हमें दो, सरकार उनको बुलाए और एक नियमात जो न्यायालय का जो निर्णय है उसको ध्यान में रखते हुए कोई रास्ता निकाले,
और इनको राहत दे। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस आंदोलन में हिंसात्मक न करें, अपनी शांतिपूर्वक अपनी बात रखें और किसी को नुकसान न पहुंचाए। इसके अलावा मैं एक सत्यनारायण जी जो कांग्रेस के विचारक है उनके सामने एक बात रखना चाह रहा हूं, जो अधिकारियों की लापरवाही मैं आपको बताना चाहूंगा। आरएस भर्ती 2018 में जो समस्या थी रूल 15 की, कार्य विभाग ने चेंज करके उनका परिणाम जारी कर दिया, वही समस्या थी आईएन भर्ती 2018 में, और आज कई 2018 से वोट थी लंबी, उसका रूल चेंज नहीं किया। कर सकते तो दोनों के साथ हो सकता था, आज वो भटक रहे अपने मुख्य परिणाम के लिए। एसआई भर्ती 2016 में 227 पद कम कर दिए, जबकि पुलिस मुख्यालय ने लिख दिया कि पद बढ़ाए जा सकते हैं, आरपीसी ने कह दिया हम नहीं बढ़ाएंगे। तो ये अधिकारी पालना क्यों नहीं कर रहे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं मिलने की लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही। लेकिन जो माहौल जो डूंगरपुर में हुआ है अधिकारियों की लापरवाही से, ये पूरे तमाम में प्रदेश में आक्रोशित है बेरोजगार, क्योंकि कोरोना चल रहा है। मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं पीड़ा पूछा तक वो हमारे अभिभावक है, वो हमारे गार्जियन है, क्योंकि जिस प्रकार अधिकारी पालना नहीं करे, आप निर्देश दे उनके परिणाम नहीं आ रहा, एग्जाम नहीं हो रही, 2013 से कहां जाए हम? जी उपेन, आपके चैनल के माध्यम से जी हाँ मैं बताना चाहूंगा, 2016 की टीएसपी और नॉन टीएसपी का मामला अटका पड़ा है, साइंस मैथ का, अंग्रेजी का, एक और सूची का मामला अटका पड़ा है 2016 का, 17 का, कहीं वो विवाद वापस न खड़ा हो जाए। 18 का विवाद है, 16 का विवाद है, उसमें कोर्ट का कोई मामला नहीं है, उसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और हाईकोर्ट में गई।